गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक. वेलकम बैक टू लेक्चर 5. दिस इज़ आवर 5th लेक्चर ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे? अच्छा, हम लोग एंगल निकालना सीखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड निकालना सीखे थे, और फिर उसके बाद एंगल रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है और वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है वो हम लोग सीखे थे. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D. 3 डायमेंशन में अभी तक हम लोग वेक्टर 2D में पढ़ रहे थे, राइट, ओनली इन 1 प्लेन. अब हम लोग करने जा रहे हैं वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशन. सॉरी, अभी हम लोग कर रहे थे वेक्टर इन 2D, 2 डायमेंशनल वेक्टर कर रहे थे. अब हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर करेंगे. लाइक अब जो वेक्टर होगा ये आउट ऑफ प्लेन हो सकता है. हमारा ये जो पैड है ये क्या है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेक्टर प्लेन के बाहर भी हो सकता है. चलो पहले तो हम लोग 3D एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. देखो ये क्या है हमारा 3D. 3D फील करो इसको. जो ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. जो जेड एक्सिस है ना वो आउट ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है. जो पेन टैब के जो बाहर का जो प्लेन है ना, आउटसाइड दिस प्लेन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस. जेड एक्सिस को आप ये मत देखो कि ये 120 डिग्री जा रहा है, ये 90 डिग्री है. एक्स और वाई की क्या है, 90 डिग्री. चलो हम एक वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं. अगेन जो ये वेक्टर है ना, इसको आप लोग मान के चलो कैसा कि 3 डायमेंशनल में, ये इस टैब पे नहीं है, ये भी थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है. ये वेक्टर भी बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ है, ठीक है. तो इसको हम दे देते हैं ए वेक्टर नाम दे देते हैं. अब ये ए वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स इसको हम कह देते हैं अल्फा. वाई के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स से कह देते हैं बीटा. और जेड के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं गामा. ठीक है, जेड के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या कह देते हैं, गामा. मैं लिख भी दे रहा हूँ, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस. इस जो स्टेटमेंट जो लाइन में लिख रहा हूँ इसका मतलब समझा, इसका मतलब क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस. बीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस. और गामा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस. ये जो आपका ए वेक्टर है ना ये आउट ऑफ प्लेन है, ये इस प्लेन में नहीं है. इसको आपको थोड़ा ऐसा इमेजिन करना होगा. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको और थोड़ा सा करके बना के दिखा रहा हूँ. जैसे अगर हम एक क्यूबॉइड ले लेंगे, अगर हम ये क्यूबॉइड लेंगे तो क्यूबॉइड में ये 3 डायमेंशनल, ये फिगर 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो इस फिगर में ये जो है माना ये है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स जेड और ये वाई, और इसमें जो वेक्टर है ना ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है. हमारा वेक्टर इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है. तो ये जो वेक्टर है किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है, 2D में नहीं है ये प्लेन, ये 3D में है. तो इसमें एक एंगल वो ये जो है ये अल्फा बना रहा है एक्स के साथ, बीटा बना रहा है वाई के साथ और गामा बना रहा है जेड के साथ. ठीक है, ये है गामा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स. ठीक है, समझ में. इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है इमेजिन करना
कि जो आप ले रहे हो ये थ्री डायमेंशनल में लिए हो, थ्री डायमेंशनल में, तो थोड़ा सा इमेजिन करो कैसे वो एंगल बनाएगा। आप अपने से ट्राई करो, एक थ्री डायमेंशनल पे आप एंगल इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अगेन अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज, इसका ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप, इसके वाई कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे ए वाई जे कैप, प्लस जेड कंपोनेंट को क्या लिखेंगे ए जेड के कैप, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ए वेक्टर का कंपोनेंट हो गया, तीनों एक्सिस पे हम अब कंपोनेंट लेंगे। अब वेक्टर 3D है ना, तो वेक्टर 3D है तो हम तीनों एक्सिस पे इसका कंपोनेंट लेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब देखो ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है ए एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेक्टर का, जैसे हम लोग 2D में सीखे थे ना, 2D में सीखे थे वैसे ही हो जाएगा। अगेन ये क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा, तो एक्स क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा। इन द सेम वे हम ये जो बीटा एंगल ले रहे हैं वाई कंपोनेंट के लिए, जो हम बीटा एंगल ले रहे हैं किसे, वाई एक्सिस के साथ है ना, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताया था ना जिसके साथ एंगल ले रहे होते हैं उसका कॉस हो जाता है, ठीक है। तो ए वाई क्या हो जाएगा ए कॉस बीटा, ठीक है, जैसे हम लोग 2D में सीखे थे उसी तरह। और ए जेड क्या हो जाएगा सेम वे में ए कॉस गामा, गामा को, ठीक है, ए कॉस गामा। इमेजिन करने की कोशिश करना आप लोग, पेन को क्या करो ओरिजिन पे डालो और वेक्टर और 3D में उसको इमेजिन करने की कोशिश करो और फिर सबके साथ एंगल देखो, आपको पता चलेगा कि गामा कौन सा है, अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है, और फिर उसी से हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं। आपको पता है ना अगर एंगल उस एक्सिस के साथ दिया होगा तो आपको वेक्टर इनटू कॉस थीटा कर देना है वो कंपोनेंट निकालने के लिए, हम लोग ये 2D में सीखे थे। तो बेसिकली ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर इज नथिंग बट ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, अगर अल्फा बीटा गामा एंगल दिया है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो इन दैट केस वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बेसिकली अंडर रूट, वही फार्मूला जो 2D में था ना वही हो जाएगा यहाँ पे भी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, एग्जैक्टली वही फार्मूला है जैसा 2D में था, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का जो था ना उसी तरह के साया है। बेसिकली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हम सिंपल ए लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, स्क्वायर कर देते हैं हम तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। गामा को मैं थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ए स्क्वायर कट गया, यहाँ से क्या निकल के आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या निकल के आया, अगर वेक्टर का एंगल दिया हुआ है
अगर अल्फा बीटा गामा एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस से, तो सबके कॉस का स्क्वायर, कॉस के स्क्वायर का सम क्या होगा? वन होगा। अगर वेक्टर का एंगल दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा, तो सारे एंगल के कॉस का स्क्वायर का सम क्या होगा? वन होगा। क्लियर है? कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड, ये अल्फा बीटा गामा क्या बता रहा है? अल्फा बीटा गामा बेसिकली वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा गामा वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। अल्फा बता रहा है एक्स एक्सिस से क्या डायरेक्शन है, बीटा बता रहा है वाई एक्सिस से क्या डायरेक्शन है, और गामा बता रहा है जेड एक्सिस से क्या डायरेक्शन है। तो अल्फा बीटा गामा बेसिकली वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। हेंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोजाइन ऑफ द वेक्टर। क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कोजाइन ऑफ द वेक्टर। इसको वेक्टर का डायरेक्शन कोजाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दे फाइंड द डायरेक्शन कोजाइन ऑफ दिस वेक्टर, तो फाइंड आउट कर लोगे। आपको सीधा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल देना है। क्लियर? चलो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तो वन है। आप मुझे बताओगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो। चलो मैं आप सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 2। सोचो कैसे आएगा इसका आंसर 2। क्लियर है? सोचो इसका आंसर इज 2। अरे कुछ नहीं, कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर इजल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे क्या हो जाएगा? 3 माइनस ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जो खुद इक्वल 1 है। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। अगर सिंपल, अगर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अगर सिंपल कॉस अल्फा पूछ दिया, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, इन द सेम वे कॉस बीटा कॉस गामा भी आप लोग लिख लेना, आप लोग ये नोटबुक में लिख लेना। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस गामा क्या हो जाएगा, दिस थिंग यू कैन राइट इजिली इन योर नोट्स। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स डू सम क्वेश्चन। ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। क्वेश्चन इज व्हाट आर साइंस ऑफ ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, बी एक्स वेक्टर, बी वाई वेक्टर, आर एक्स एंड आर वाई। आर क्या है? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। समझे? क्वेश्चन को समझो पहले। कह रहा है ए एक्स का साइन क्या है, मतलब ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का साइन क्या है। साइन मतलब पॉजिटिव आई कैप या पॉजिटिव जे कैप, या डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ मैं, आता आर द डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। डायरेक्शन ऑफ ए एक्स ए वाई आ जाए, और डायरेक्शन द आई कैप और आई कैप जे कैप माइनस आई माइनस जे के टर्म में लिखना है। ठीक है, इसके साथ में एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ ट्राई करना, फिर मैं आप लोगों को बोलूँगा वीडियो पॉज करने के लिए। तब तक आप लोग वेक्टर को एक साथ ट्राई करो। इफ़ पी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, फाइंड पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी वेक्टर।
ठीक है, समझ गया। फर्स्ट इसमें पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और पी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। चलो अब आप लोग वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं फिर सॉल्यूशन देता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। होप्स आई एम श्योर कि आप लोगों ने अच्छा खासा ट्राई किया होगा, बहुतों का आंसर आ भी किया होगा, बट जिसका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो ए वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। ए वेक्टर कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ए वेक्टर के टेल पे जाके कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए ए वेक्टर के टेल पे, फिर ए वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डाल दिए, डाले ना परपेंडिकुलर। ये फिगर गंदा हो रहा है, उसको मैं वहाँ हटा देता हूँ। दूसरा फिगर बना लेता हूँ, ये हमारा ए वेक्टर ना, तो ए वेक्टर के टेल पे जाके हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस जब हम ड्रॉ करेंगे फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में वहाँ से आपको ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। ये एक्स, ये है वाई, इसके लिए ये माइनस एक्स हो गया ना, माइनस एक्स है, ये वाई है। तो अब देखो कंपोनेंट में ए वाई कैसा है, दिस इज़ ए वाई ना, और दिस इज ए एक्स। डायरेक्शन हम स्टार्ट, मतलब डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं हम टेल से और हेड परपेंडिकुलर की तरफ जाते हैं। तो देख रहे हो ए एक्स का डायरेक्शन क्या है, माइनस आई की तरफ, और ए वाई का प्लस जे की तरफ। तो ए एक्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर का डायरेक्शन है माइनस आई कैप, और ए वाई वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, मतलब मैं लिखूँ डायरेक्शन वेक्टर लिखता हूँ, ए एक्स का डायरेक्शन, ए वाई का डायरेक्शन क्या है प्लस जे कैप। इन द सेम वे अब बी का देखो, बी का क्या हो जाएगा, बी का मैं फिगर में ही ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो आप लोग देख पा रहे होगे, बी का मैंने जो ड्रॉ किया है तो बी एक्स का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो बी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आई, और बी वाई नीचे की तरफ है, बी वाई नीचे की तरफ है, तो ये माइनस जे होगी। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, ए वेक्टर कुछ ऐसा है और बी वेक्टर कुछ ऐसा है, और स्टूडेंट बी वेक्टर कुछ ऐसा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का देखो, रिजल्टेंट का बोथ ये प्लस जे है और ये प्लस एक्स है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स का डायरेक्शन आई कैप, और आर वाई का डायरेक्शन जे कैप। समझे, सिंपल सा था, आपको टेल पे जाके क्या करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर देना है और फिर वहाँ से आपको डायरेक्शन चेक कर लेना है कि किस डायरेक्शन में। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है, सारे कंपोनेंट का स्क्वायर का सम कर दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट 45। अब पूछा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी वेक्टर, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा ए एक्स, कॉस अल्फा क्या था, ए एक्स अपॉन ए, यही था ना, एक्स कंपोनेंट अपॉन वेक्टर दैट इज कॉस अल्फा। वाई कंपोनेंट क्या होता है, ए वाई, वाई कंपोनेंट अपॉन ए,
और जेड कंपोनेंट गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा, जेड कंपोनेंट अपॉन ए, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट क्या है 2, वाई मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का 45, दिस इज कॉस अल्फा। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड कंपोनेंट, तो जेड कंपोनेंट का वैल्यू क्या है -5 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 45। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। ठीक है, समझ में आया। देखो मैं यहाँ पे भी पहले भी कराया था, यहाँ पे मैं ए कॉस अल्फा का वैल्यू लिख दिया था, बाकी का नहीं लिखा था मैं। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, अगेन ए एक्स अपॉन ए, कॉस गामा ए एक्स अपॉन ए, ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो वहाँ से। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक इज कंडीशन फॉर वेक्टर्स ए एंड बी टू बी पैरेलल। ए और बी वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या क्या, किस कंडीशन में पैरेलल होंगे, ठीक है, ए वेक्टर का पैरेलल होने का क्या कंडीशन होगा। आपको सिंपल बताओ, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उनका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं इसका मतलब क्या हुआ, उनका डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम का क्या मतलब हुआ, दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल, एक वेक्टर अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, अल्फा। अगर एक वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो दूसरा वेक्टर भी वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, बीटा। एक वेक्टर अगर जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो दूसरा भी बनाएगा गामा, तब जाके क्या होगा, वो पैरेलल होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम है तो उनका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम होगा, समझे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देयर डायरेक्शंस आर सेम, देन देयर डायरेक्शन इज सेम। अगर डायरेक्शन सेम है मीन्स अल्फा बीटा गामा सेम है, हेंस डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो, डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो सेम, ठीक है। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा, सेम होगा, समझे ना। डायरेक्शन कोसाइन सेम क्यों होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेम होगा, अल्फा बीटा गामा सेम है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम होगा, ठीक है। चलो अब हम लिख देते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखता हूँ स्मॉल में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर वेक्टर अगर सेम है, अगर पैरेलल है, अगर वेक्टर पैरेलल है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली ए एक्स अपॉन ए, और सेम एज बी एक्स अपॉन बी। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन, सॉरी कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, एंड सेम एज बी वाई अपॉन बी। कॉस गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए, सेम एज बी जेड अपॉन बी, ठीक है। अब ये जो पहला इक्वेशन है, यहाँ देखो जो पहला इक्वेशन है, इसको हम कर लेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अगर सेकेंड इक्वेशन में हम अरेंज करेंगे तो ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, कंडीशन बन रहा है ना। थर्ड, ए जेड अपॉन बी जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी, पैरेलल का ये कंडीशन बन रहा है ना, हेंस पैरेलल का ये सब कंडीशन था, तो हेंस ये सारे आपस में ए बी के इक्वल हैं,
सारे ए बी की इक्वल है ना, ए एक्स अपॉन बी एक्स इजल टू ए बी आई अपॉन बी, ए वाई अपॉन बी वाई इजल टू ए अपॉन बी, एजेड अपॉन बी जेड इजल टू ए अपॉन बी, हैंस ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू एजेड अपॉन बी जेड। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर। कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर, क्लियर है? चलो इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू सिक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, जो लास्ट में जब मैं लिखा ना, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए एंड बी आर पैरेलल। अगर ए और बी पैरेलल है तो क्या कंडीशन था? ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, हेंस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू दैट इज टू टू अपॉन सिक्स क्या है? ए एक्स अपॉन बी एक्स शुड बी इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई दैट इज थ्री अपॉन जेड एंड शुड बी इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, ए जेड क्या है? माइनस फोर अपॉन जेड। हेंस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप सॉल्व करोगे, दो को एक साथ ले लो, मगर इन दोनों को हम एक साथ लिए तो क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू सिक्स बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू नाइन, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो अब आ गया आपका, अब हम बी ले लेते हैं। बी वेक्टर क्या है बेसिकली? सिक्स आई कैप प्लस नाइन जे कैप माइनस ट्वेल्व के कैप, ये बनाना। अब हमको क्या पूछ रहे हैं? बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर, विल बी इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस एटी वन प्लस वन फोर्टी फोर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 261। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, छोटा सा लेक्चर बनाया है। इस लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।